गरीब का ब्रिक कार। एक गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। गोपाल रामलाल नाम के धनवान के पास ड्राइवर का काम करता था, पर गोपाल कार ठीक से चलाना नहीं जानता था। हर रोज घर में कार पार्क करते वक्त कोई ना कोई फूलदान को तोड़ता रहता था। ये देखकर रामलाल सिर पकड़कर बैठ जाता। एक दिन गोपाल ने हमेशा की तरह एक फूलदान से जाकर टकराया। गोपाल तुरंत उतरकर इधर उधर देखने लगा। शुक्र है साहब यहाँ नहीं है, कहकर उस टूटे हुए फूलदान को वहाँ से निकाल दिया। फिर उस जगह को साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद रामलाल वहाँ आया। क्यों रे गोपाल, आज फिर तुमने फूलदान तोड़ दिया। पर आपको कैसे पता चला साहब, मैंने तो बिल्कुल साफ कर दिया था। अरे कमीने, वहाँ जो फूलदान होना चाहिए था ना, वो गायब है, ऐसा पता चला मुझे। गोपाल जीप काटता रह गया। इसी तरह कभी गोपाल डिवाइडर से टकराता या कभी जाकर बिजली के खंभे से। लिए कार के बहुत सारे डेंट लगे हुए थे। मैकेनिक शॉप वाला रामलाल को हर बार हजारों रुपए का बिल देता था। ये देखकर रामलाल का दिमाग फिर जाता था। एक दिन तो गोपाल ने सीधा जाकर रामलाल के घर के दीवार से टकराया। इससे उस दीवार में एक छेद हो गया। ये देखकर रामलाल, अरे कमबख्त, तुम्हें ड्राइविंग शुरू किए हुए 5 साल हो गए हैं, तुम अब तक ड्राइविंग करना नहीं सीख पाए। औरतें भी 1 महीने में ड्राइविंग सीख कर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाती हैं, पर तुम क्यों नहीं सीख पाए। सब मेरी किस्मत है। साहब मुझे ड्राइविंग आता है, पर कभी कभी ब्रेक समझकर मैं एक्सेलरेटर दबा देता हूँ। बस घर पर मेरी पत्नी मुझसे चक्की चलवाती है सर, बस उसी आदत की वजह से कभी कभी मैं स्टीयरिंग जोर से घुमा देता हूँ। और कोई खास बात नहीं है सर, बस गियर में जरा कंफ्यूजन है सर, मुझे 4th गियर से 1st गियर में आने में जरा तकलीफ होती है सर। इसके अलावा मुझे ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये सुनकर रामलाल बेहोश हो गया। बाद में रामलाल की पत्नी सीता, ये क्या है, दीवार की छेद को तो 4-5 ईंट लगाकर भर सकते हैं, पर अपने कार को ठीक करने में 30,000 खर्च हुए हैं। वैसे आप जानते हो कि उस गोपाल को ड्राइविंग करना नहीं आता, फिर भी उसे बर्दाश्त किए जा रहे हो। उसे तुरंत नौकरी से निकाल दो और एक नए ड्राइवर को रखो। ये नहीं हो सकता, गोपाल के पिताजी मेरे पिताजी के पास ड्राइवर का काम करते थे। उन्होंने एक बार पिताजी की जान बचाई थी। पिताजी मरते मरते मुझे एक बात कह गए कि जिंदगी भर गोपाल को अपने पास ड्राइवर रखना होगा। मैंने भी उन्हें वादा किया। उन्होंने मुझसे शपथ ली कि चाहे वो कितनी भी गलती क्यों ना करे, उसे बर्दाश्त करना होगा। मैंने कहा भी कि तुम यूं ही तनख्वाह ले लो मुझसे, पर ये गोपाल मुफ्त का तनख्वाह लेता नहीं। वो कहता है कि मुझे ड्राइविंग करने देंगे तो ही मैं तनख्वाह लूंगा। वैसे भी बेचारा गरीब है, चलो देखते हैं, कभी ना कभी तो ड्राइविंग सीखेगा। ये सब सुनकर रामलाल का बेटा मंगू वहाँ आया। मम्मी डैडी, मुझे एक उपाय सूझा है। जैसे माँ ने कहा, दीवार को बस हमने 1,000 रुपए में ठीक कर दिया, पर लोहे के कार को ठीक करने के लिए 30,000 रुपए लगे हैं। इसीलिए यदि हम अपने कार को भी ईंट और सीमेंट से बनाएं, तो गोपाल जितने मर्जी बार टक्कर मारे, सिर्फ 3-4 ईंटों को बदल कर ठीक कर सकते हैं, तब ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। ये उपाय उन दोनों को बहुत अच्छा लगा। रामलाल ने तुरंत उस कार के बॉडी को निकलवा दिया। मेस्त्री को बुलाकर उस कार के बॉडी को ईंट और सीमेंट से बनवाया। इस तरह एक ब्रिक कार तैयार हुआ। ये देखकर गोपाल हैरान हो गया। ये क्या साहब, आपने ईंटों का कार बनवाया है? हाँ, तुम्हारे लिए खास तौर पर ये ईंटों का कार बनवाया है। अब से जब भी तुम इस कार से टक्कर मारो, तब इसे तुरंत एक मिस्त्री के पास ले जाना, वो चुटकी बजाते ही इसको ठीक कर देगा। अब से ये मिस्त्री ही हमारे कार के मैकेनिक हैं। इस मिस्त्री का फोन नंबर ले लो। उस दिन से जब भी गोपाल की कार की कहीं टक्कर होती, तो वो उस कार को मिस्त्री के पास ले जाने लगा। मिस्त्री ईंटें भरकर उसे ठीक कर देता था। गोपाल और रामलाल उस ईंटों वाले कार में जाते थे तो लोग उसे देखकर हंसते थे। रामलाल अपमानित महसूस करता। ये देखकर गोपाल बहुत दुखी होता। एक दिन गोपाल रामलाल के पास आया।
साहब मैंने बहुत मन लगाकर कार ड्राइविंग सीखा है, अब से हमें ईंटों वाली कार की जरूरत नहीं है साहब, अब दोबारा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा साहब, मेरा भरोसा करें प्लीज। तब रामलाल ने दोबारा उस कार को ओरिजिनल बॉडी लगवाया। तब से गोपाल बड़े ध्यान से उस कार को चलाने लगा। रामलाल बहुत खुश हुआ। मंगू की सूझबूझ के लिए उसकी खूब प्रशंसा की।